So welcome to Gen Tutorials. It is Gen online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 11 and we will start with new chapter called motion in straight line. It is also कोई कोई book में इसको NCERT में motion in straight line लिखा है. हम लोग इसको बहुत तरह का नाम से जानते हैं, motion in one and two dimension. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्चुअल फिजिक्स अब शुरू होगा. इसके पहले जो हम लोग टॉपिक सब सीखे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, मैथ्स, मैथमेटिकल टूल्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो सब एक्चुअली में हम लोग उसको यूज करेंगे इन फिजिक्स, इसलिए पढ़ा गया है. सो स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड इट वेरी फर्स्ट वीडियो, इट इज कॉल्ड वीडियो नंबर वन. All you need to do, build up the concept. Concept बनाना है. सिर्फ concept से बनेगा ये सब question. आप कितना ही पढ़ लीजिएगा, concept build up नहीं है तो हर question में attack किया है ना. इसलिए बहुत लंबा chapter है, बहुत lengthy chapter है और physics actually में यहीं से start होता है. क्लियर? इसके पहले इतना भी था, all are called calculations in physics. So we'll start with motion in straight line. तो देखिए, जब मोशन बोले हैं तो एक वर्ड हम लोग सीखते हैं अभी, रेस्ट एंड मोशन. एकदम शुरू से स्टार्ट करें, जैसे आप कुछ भी नहीं जानते हो अबाउट फिजिक्स मोशन के बारे में. मान लीजिए पूरा चैप्टर खत्म होगा, पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी जो कोई बुक से बनेगा, बहुत लंबा चैप्टर है, ऑलमोस्ट इट विल टेक 15 वीडियोज. रेस्ट एंड मोशन, किसी बॉडी को बोलते हैं रेस्ट में है. तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन अभी 11th क्लास के हिसाब से वो क्या होगा. तो सबसे पहला एक पॉइंट होता है जो पहली बार सुनेंगे ये वर्ड, जहां से आप देखते हैं ना उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम. जहां से हम लोग किसी को ऑब्जर्व करेंगे इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम. इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम लोग कोई भी चीज यहां से मेजरमेंट ओरिजिन से करते हैं तो ओरिजिन इज ए रेफरेंस फ्रेम. ये वर्ड यूज होगा रेफरेंस फ्रेम, जहां से हम लोग किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे इसका मोशन या कोई भी चीज के बारे में, देन वी विल से इट इज ए रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो पहला वर्ड एक्चुअली में हम बता दे रहे हैं, ये वर्ड बार बार यूज होगा इस चैप्टर में. हम कहां से देखते हैं किसी को, जहां से ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द पॉइंट है ये और कुछ नहीं है, द पॉइंट फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व और एनालिसिस करते हैं, कुछ चीज के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में एनालिसिस करते हैं. तो जहां से हम कुछ किसी को देखते हैं, समझते हैं, इन फिजिक्स द सब ये जो वर्ड है इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सिंपली बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम. कोऑर्डिनेट एक्सिस में देयर आर थ्री एक्सिस, आपके देखे होंगे कॉर्नर्स में आप देखते होंगे थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो ये ओरिजिन एक्चुअली में हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, ये एक क्या है रेफरेंस फ्रेम है. यहीं से ऑब्जर्व करते हैं, यहीं से कैलकुलेशन करते हैं, यहीं से हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं. सो दिस पॉइंट इज सिंपली कॉल्ड ओरिजिन, इज सिंपली कॉल्ड ओ, इज सिंपली कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम. तो रेस्ट और मोशन जो भी होगा वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, अभी हम बताएंगे आपको. अंडरस्टूड? जहां से हम कुछ किसी को भी देखते हैं इट्स कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम. ये वर्ड बार बार यूज होगा अंटिल मोशन चैप्टर जब खत्म होगा तब तक. तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट एंड सम टाइम इंटरवल, तब उसको रेस्ट में बोलते हैं हम लोग. जैसे हम बोलेंगे सपोज दिस पेन, दिस पेन, इस पेन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है. हम पूछेंगे इज इट इन रेस्ट और मोशन, ये पेन के बारे में बात हो रहा है, वो रेस्ट में है या मोशन में है. अभी हम ऐसे आपको चल के दिखा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से इट इज इन मोशन.
But you can't say this pen is in motion or rest until I will say about reference frame. कहाँ से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, ये पॉइंट है. अगर बोर्ड अगर फिक्स पॉइंट है तो रेस्ट में है, पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, हम जहां से देख रहे हैं वहीं पर है. अगर इस बोर्ड को उठा के और कहीं ले जाएं तो ये पॉइंट रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा. देन आस्क मी सर व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम, कहां से देख रहे हैं आप, वहीं से देख रहे हैं तो रेस्ट में हो जाएगा. विथ रेस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, बोर्ड तो बोर्ड में पॉइंट तो वहीं पर है, देखिए एक्सिस, बोर्ड कहीं पे भी ले जाए ये बॉडी विल बी इन रेस्ट. अगेन आई एम आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन, इज इट रेस्ट और मोशन. दिस इज ए पेन, टेल मी रेस्ट ऑफ मोशन. यू कांट से आस्क मी व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम, व्हाट इज द फिक्स पॉइंट. सिंपल भाषा में फिक्स पॉइंट को ही बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम. मोस्ट ऑफ द केस इट इज ओरिजिन, वो बदलते भी रहता है, वो आगे पढ़ेंगे कैसे बदलता है. अगर ये बुक अगर फिक्स पॉइंट है या रेफरेंस फ्रेम है देन कहीं पर इस बुक को ले जाइए, इस पेन को ले जाइए, दिस पेन इज सेड टू बी इन रेस्ट. अब हम अगर हम मेरी आंख अगर हम जहां खड़े हैं वो अगर फिक्स पॉइंट है देन दिस पेन इज सेड टू बी इन मोशन बिकॉज रेफरेंस फ्रेम का पोजीशन बदल रहा है बार बार. विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम दिस पोजीशन हैज बीन चेंजिंग. सो इट्स ऑल अबाउट फिक्स पॉइंट. एकदम सिंपल सा बात है लेकिन इसको अच्छा से जानना जरूरी है. ए बॉडी इज said to be in rest when it does not change its position with respect to fixed point or you can say frame of reference. जहां से हम लोग observe करते हैं उसके respect में बताना है. The body is said to be in rest when it does not change its position with respect to fixed point. The or some time, कुछ समय भी तो होना चाहिए. समय बीता ही नहीं है, लैप्स ऑफ टाइम हुआ ही नहीं है, टाइम उतना का उतना ही है. 6:13:20 एंड यू विल ऑब्जर्व अगेन इन 6:13:21 थोड़ा टाइम पास होना चाहिए तब आप बता पाएंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. और सम टाइम इंटरवल और कुछ समय भी होना चाहिए ना. ऐसे एक सेकेंड के अंदर ही देख लेंगे बार बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा. सो सम टाइम शुड बी स्पेंट टू ऑब्जर्व द बॉडी. अंडरस्टूड. तो कोई बॉडी बोलेगा रेस्ट में है कि मोशन में, इट्स ऑल अबाउट फिक्स पॉइंट एंड सम टाइम. फिर से पूछ रहे हैं जैसे ये पॉइंट है रेस्ट में कि मोशन है. यू कांट से इट इज रेस्ट और इन मोशन. Always ask what is the reference frame, what is the fixed point from where which you are observing. इस बोर्ड को उठा के हम ले जाएंगे बोलेंगे इस ये अगर फिक्स पॉइंट है तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा. हम अगर फिक्स पॉइंट है तो ये बदल रहा है, इसका पोजिशन बदल रहा है, इसका पोजिशन बदल रहा है. इज इट क्लियर? सो इट्स ऑल अबाउट. तो रेस्ट क्या होता है पता चल गया. इस फिक्स पॉइंट के अपेक्षा ये रेस्ट में रहेगा. कभी भी उठा के इसको यहां रखेंगे तो भी रेस्ट में रहेगा, ये ऐसा नहीं कि मोशन में. इसी को उठा के हम यहां रख लिए, यही चीज को उठाए और इस बोर्ड को उठाए और कहीं टांग दिए तो ये पॉइंट तो वहीं रहेगा. इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. इज इट क्लियर? नोट इट डाउन. तो रेस्ट क्या है पता चल गया. और इसका ग्राफ अगर कोई ड्रॉ करे अगर उसका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बोलिए और टाइम कैसा मिलेगा, किस तरह का ग्राफ विल यू गेट? स्ट्रेट लाइन, इस तरह का. ये नहीं है, ओनली दिस लाइन.
दिस लाइन सजेस्ट दैट पासेस ऑफ टाइम द बॉडी इज वहीं पर है, बॉडी वहीं पर है. इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए 4 मीटर मार्क में है, रिफरेंस फ्रेम से 4 मीटर मार्क में है, क्लियर है, तो ये 4 मीटर में ही है. अंडरस्टूड? इसका मतलब ये मान लीजिए 4 मीटर मार्क में है 0 सेकंड में, 1 सेकंड के बाद भी 4 मीटर मार्क में ही है, 2 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद भी, टाइम बीतते जा रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, नो चेंज इन पोजिशन. नो पोजिशन लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा ना, अभी नहीं बोलेंगे नहीं तो आप बाद में बोलिएगा सर आप तो उल्टा बताए थे, पोजिशन ही बोलते हैं हम अभी अभी, बाद में बोलेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी हो. द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. एग्जाम का ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ग्राफ रेस्ट का ग्राफ है. एक तरफ क्या लिखते हैं पोजिशन और एक तरफ लिखते हैं टाइम. इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये ग्राफ पोजिशन टाइम ग्राफ. इज इट रेस्ट ऑफ मोशन? ये रेस्ट का ग्राफ नहीं है. पोजिशन चेंजिंग नहीं, पोजिशन चेंज हो रहा है, टाइम बीत भी नहीं रहा, पोजिशन चेंज हो जा रहा है उसका, उसी टाइम में उसका बॉडी का पोजिशन चेंज हो रहा है. वो बहुत अलग केस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ग्रेविटी पढ़ेंगे तब. इसको भी नोट कर लीजिए. सो इन दिस वे यू लर्न व्हाट इज द रेस्ट. बहुत से एग्जांपल कर सकते हैं मोशन. अब बस कोई बॉडी का पोजिशन मान ली फिक्स पॉइंट है, उसे देख रहे हैं ए बी सी देख रहे हैं, बार बार बॉडी का पोजिशन अगर विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट चेंज हो रहा है, बॉडी ए में था, बी में चला गया, सी में चला गया, द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. जस्ट उल्टा बात है रेस्ट का. व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर और सम टाइम इंटरवल, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. कोई डाउट नहीं है, जैसे हम चल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस वॉल, आई एम इन मोशन, है ना, वो फिक्स पॉइंट है वहां पर है सपोज, एंड आई एम सेड टू बी इन मोशन, हम मोशन में हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? मोशन बहुत सिंपल, रेस्ट समझना थोड़ा मुश्किल है, मोशन तो ईजी है. फिक्स पॉइंट है, बॉडी का पोजिशन चेंज होना चाहिए हमेशा, पोजिशन फैक्टर विल बी डिफरेंट, द बॉडी सेड टू बी इन मोशन. इज इट क्लियर? मोशन क्या है पता चल गया, ग्राफ देखेंगे तो कैसा मिलेगा, एक तरफ पोजिशन एक तरफ टाइम, द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ऐसा भी हो सकता है बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट, दूर से नजदीक जा रहा है, जैसे रिफरेंस फ्रेम वहां है हम उधर जाएंगे, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको. इफ यू गोइंग अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट इट इज ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन. इफ यू मूव टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट द ग्राफ विल बी इन दिस वे. पोजिशन टाइम ग्राफ. फिर पूछ रहे हैं ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है. इट इज रेस्ट पोजिशन टाइम ग्राफ, इट इज मोशन पोजिशन टाइम ग्राफ, इट इज पोजिशन टाइम ग्राफ, इट इज अगेन मोशन. पोजिशन टाइम ग्राफ के बारे में बात हो रहा है. अंडरस्टूड? नोट कर ली सारा बात. नाउ रेस्ट मोशन टॉपिक अंडरस्टूड. अब हम लोग आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन पहला को बोलते हैं हम लोग, जो इस चैप्टर जो पढ़ना है वही लीनियर मोशन. बताएंगे क्या होता है. देन वील स्टार्ट विथ कोल्ड. इसके लिए अलग चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन. हर को अलग चैप्टर है. देन विल स्टार्ट विथ रोटेशनल मोशन. बताएं क्या होता है. एंड देन विल स्टार्ट विथ पीरियोडिक मोशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल. जब पढ़ने का बारी आएगा नवंबर दिसंबर में 6 महीना बाद तब पता चलेगा. हर कोई के लिए डिफरेंट चैप्टर्स आर गिवन. लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन. तो ये जो मोशन है स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर इनके बारे में इंट्रोडक्शन, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पढ़ना है हम लोगों को. तो लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, पीरियोडिक, तो इनके बारे में लोग बाद में चर्चा करेंगे.
जब इसका बारी आएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले लीनियर मोशन। इसको अलग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब कोई बॉडी का पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट इस तरह से चेंज हो रहा है। मान लीजिए ओ के रेस्पेक्ट में ए गया, बी गया, सी गया, डी गया, ई गया। लाइन जॉइनिंग द एवरी पोजिशन ऑफ द बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन। ऊपर से नीचे गिर रहा बॉडी, मोशन अंडर ग्रेविटी। लाइन जॉइनिंग द डिफरेंट पोजिशन ऑफ बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन, द बॉडी इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। अंडरस्टूड? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अलग अलग नाम है, एक ही जिसका बहुत सा नाम है। सबसे अच्छा तो लग रहा है ये लीनियर मोशन है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एकदम सेम चीज है ट्रांसलेटरी मोशन, वेयर बॉडी इज स्ट्रेट लाइन मोशन द बॉडी सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सो डिफरेंट नेम्स इज गिवन फॉर लीनियर मोशन, देन दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लीनियर मोशन। सो व्हाट इज, कोई पूछेगा तो व्हाट इज तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस जानने के लिए, व्हेन द लाइन joining the different position of a, when the line joining of different position of a body जो क्या है motion में है, इच क्या हो a straight line, the motion is said to be linear। हम पूछेंगे मान लीजिए उस पीछे वाला दीवार के respect में, the my motion is a straight line, my motion is straight line, this pain is in straight line motion with respect to whatever the fixed point, कोई भी हो कहीं से भी देख रहे होंगे ये motion जो होगा वो straight line होगा। ये pain गिर रहा है, the motion is said to be straight line motion, linear motion, translatory motion, whatever you can say, the different position को अगर join करते हैं straight line मिलता है, ऐसे यहां से वहां चला गया straight line, सिंपली कोड लीनियर मोशन। ए कार इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट रोड, सिंपली सेड टू बी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजिशन, इट इज सेड टू बी इन मोशन। विच मोशन? लीनियर मोशन। अंडरस्टूड? ये बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। अब देखिए आगे जा रहे हैं, सब समझने वाली चीज है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, When a body moves, ऐसा motion करे parallel to the plane, plane के parallel या along the plane, जैसे हम चल रहे हैं along the plane, जमीन मान लीजिए plane है, plane को भी निर्धारित करना पड़ेगा plane कौन है फिर। Suppose plane is the ground in which I am standing, then I am said to be in motion in a straight line, also categorize करेंगे, then I am said to be in horizontal motion, horizontal motion। और इसको हम लोग fix कर दिए x axis के along, ये देखिए, या x के parallel, देख रहे हैं ना, x के along ऐसे बोलिए, x के along, x के parallel, plane के parallel, जैसे ये मान लीजिए plane है, ऐसे जा रहा है ये कैप, ऐसे जा रहा है। द मोशन ऑफ द कैप इज इन स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड टू बी इन हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल है एक्स के लोंग, ऐसे भी एक्स के अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन। मोशन अलोंग द प्लेन और पैरेलल टू प्लेन,
इसको हम लोग x डायरेक्शन से डिनोट करते हैं, सब हॉरिजॉन्टल मोशन है, ऑल आर हॉरिजॉन्टल मोशन। दिस लाइन कोई बॉडी का पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन। एच एम लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो एच एम कोई भी समझ जाएगा कि आई एम स्टेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन विच इज द मोशन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ही डिनोट किया गया पूरा वर्ल्ड में, क्या करें। वर्टिकल, व्हाट इज वर्टिकल मोशन? मोशन ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन। प्लेन ऐसे है और मोशन ऐसे हो रहा है, प्लेन पर परपेंडिकुलर मोशन, प्लेन पर परपेंडिकुलर मोशन इज सेड टू बी वर्टिकल मोशन। मतलब ये प्लेन है एक्स एक्सिस, उस पर परपेंडिकुलर मोशन। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन है परपेंडिकुलर? वाई एक्सिस। तो मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, जिसे हम बोलेंगे पेन का मोशन। कैसा मोशन, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? आस्क सर वेयर इज द प्लेन, बोर्ड तो खुद ही प्लेन है। हम बोलेंगे बोर्ड प्लेन है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। हम बोलेंगे बोर्ड इज द प्लेन, इसको दिखाएं, देखो भी इसको आप थोड़ा सा पूछते, देखिए आप पूरा अनुभव कर पाइएगा भी। पेन के बारे में बात हो रहा है, कॉपी इज द प्लेन, टेल मी हॉरिजॉन्टल मोशन। लो अभी भी हॉरिजॉन्टल है, अभी भी हॉरिजॉन्टल है। फिर से देखिए वंस मोर, इट इज ए मोशन अलोंग द प्लेन, अगेन इट इज ए मोशन अलोंग द प्लेन। हॉरिजॉन्टल है नॉट वर्टिकल, बहुत संस्था वर्टिकल है, नहीं है वर्टिकल। वर्टिकल दिखा दे, देखिए प्लेन अगर ये है तो ऐसा होना चाहिए, वर्टिकल मोशन। एकदम अनुभव करने का चीज है फिजिक्स, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डअप, व्हाट इज नहीं, कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाइए। वर्टिकल मोशन फिर से बड़ा दिखाए, कोई कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको अंदाज हो जाएगा। ये पेन है एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, हम ऐसे कर दिए, इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, ये प्लेन है, क्या हो रहा है हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोशन नॉट वर्टिकल। देख लीजिए ये तो प्लेन के अलोंग तो हो रहा है, प्लेन के अलोंग ही तो हो रहा है। दिस इज द वर्टिकल मोशन, दिस इज द वर्टिकल मोशन। वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, अगर हम लोग इसको वेक्टर का भाषा में, जिसमें भी ओनली आई है, ओनली आई है, देन इज द मोशन, कोई टॉपिक में अगर ओनली आई है देन आई विल से द मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल मोशन। जे ओनली, जे ओनली, के ओनली, जेड एक्सिस, क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे आई अकेले है, कोई मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल मोशन है। जे अकेले है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वर्टिकल मोशन होगा। एक्स को हम लोग फिक्स कर दिए हॉरिजॉन्टल के लिए और वाई को फिक्स कर दिए लोग वर्टिकल के लिए। अंडरस्टूड? सब सोच रहे हैं अच्छा से, मेरा बात को एकदम ध्यान से सुनना है, लिखने से ज्यादा सुनना ज्यादा है, नोट कर लीजिए। तो इन दिस वे यू लर्न मोशन, रेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन है, स्ट्रेट लाइन मोशन कौन है, और स्ट्रेट लाइन दो तरह के होते हैं, कौन कौन, कौन कौन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इज द मोशन अलोंग द प्लेन एंड वर्टिकल इज द मोशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बस एक क्वेश्चन आया था बहुत साल पहले, एंट, अन एंट इज रनिंग ऑन द बोर्ड, द मोशन इज सेड टू बी इन बोर्ड इज प्लेन देन हॉरिजॉन्टल, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो अगर बोर्ड प्लेन है, इफ बोर्ड इज द प्लेन देन मोशन इज सेड टू बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इज इट क्लियर? तो आप देखिए एक चीज बता रहे हैं, एकदम अच्छा से बता दिए, कोई भी टर्म यूज करना है सिर्फ। अगेन आई विल टेल मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज ऑफ टू टाइप,
horizontal and vertical. Again, I will distinguish these motion in two types. One is called one dimensional motion and other is called two dimensional motion. One dimensional motion, two dimensional motion. किसको बोलते हैं? अगर किसी बॉडी का जो मोशन है ओनली इन वन डायरेक्शन मींस हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो इन ए गिवन टाइम, या तो हॉरिजॉन्टल हो या तो वर्टिकल हो, द मोशन इज सेड टू बी इन वन डायमेंशन. या तो एक्स के अलोंग हो या तो वाई के अलोंग हो. पानी का बूंद गिर रहा है हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, अगर अर्थ इज ए प्लेन वर्टिकल डायरेक्शन इट इज वन डायमेंशनल मोशन. मेरा मोशन का आप तीन को नाम देते हैं. मैं हम जब भी मोशन करने वाले हैं आई विल गिव यू थ्री नेम्स. सपोज विथ रेस्पेक्ट टू एनी फिक्स पॉइंट आई एम इन मोशन, आई एम इन मोशन. दिख रहा है सबको? दिख ही रहा होगा हम मोशन में. क्लियर है? हम आई विल आस्क थ्री क्वेश्चन. सो व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मोशन आई एम going through? First, linear motion, because every point I was describing gives a straight line. Second, I am in the motion along the plane. कोई ना कोई तो plane होगा ना, कोई ना कोई plane में तो motion कर ही होंगे, या motion के along या motion के parallel. So I will be said to be in horizontal motion. And third one, it is also called one dimensional motion. Understood? पानी का बूंद ऊपर से नीचे गिर रहा है, it is linear motion, it is horizontal motion, it is one dimensional motion. ऊपर से नीचे कोई बॉडी आ रहा है, it is straight line motion, it is vertical motion, it is one dimensional motion. Understood? Two dimensional. कोई बॉडी का मोशन ऐसा हो, मोशन इज सच दैट दोनों टू मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन इन टू डायरेक्शन टूगेदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड लिखे हैं या और लिखे हैं, या एंड वर्टिकल बोथ इन ए गिवन टाइम, दोनों मोशन एक साथ हो. दोनों तरह का मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों तरह का मोशन एक साथ हो, हाँ एक साथ हो, तब उस मोशन को बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन. कोई पत्थर को फेंक दीजिए इस तरह से, कोई पत्थर को जमीन से यहां से फेंके ऐसे जग गया, ये इसका पाथ हो गया, ये ग्राफ नहीं ये पाथ है. पत्थर ऐसे गया ऐसे फेंके तो, ऐसे फेंकेगा तो वन डायमेंशनल, ऐसे फेंके टू डायमेंशनल. देखिए यहां पहुंचा, कभी ना कभी तो यहां पहुंचा होगा. इसमें दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों तरफ पोजीशन चेंज हो रहा है, वाई के तरफ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊंचा गया कि नहीं गया, और एक्स की तरफ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स की तरफ भी उसका वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वाई के तरफ भी उसका वैल्यू चेंज, एक्स की तरफ भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बोथ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन चेंज हो रहा है बॉडी का, द बॉडी सेड टू बी इन टू डायमेंशन. ये चैप्टर में हम लोग को तीनों चीज पढ़ना है. स्ट्रेट लाइन मोशन इज अवर इंट्रोडक्शन हो गया, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. हम लोग पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू वन डायमेंशन, विथ रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन हॉरिजॉन्टल मोशन. विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक हॉरिजॉन्टल मोशन नेक्स्ट क्लास. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ग्राफ एंड सो मेनी क्वेश्चंस.